नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल RBC विथ HSM के अंदर। हमने इस चैनल पर NTSC और STC के मैथ्स की वीडियो, रीजनिंग की वीडियो, साइंस की वीडियो काफ़ी अपलोड कर दी है और उनकी प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए, आज का स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पिछले वाली वीडियोस के अंदर मैंने जो हमारा STSC का पेपर हुआ था 2019 के अंदर, ठीक है, उसके अंदर मैंने देखो अपने 71, 72, 73, 74, 75, 76, ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने करा दिए। आज जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो 83, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 82, 83, ठीक है, और 84, ठीक है, और ये 85, और ये 86। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इन क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। देखिए क्या है हमारे पास से, क्वेश्चन नंबर देखो 82 क्या बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 82 हमसे कह रहा है, यहाँ पर देखो डायग्राम बना रखा है मैंने, दिए गए चित्र में त्रिभुज POQ, ये POQ एक समकोण त्रिभुज है, ये जो POQ है ना, बड़े वाला त्रिभुज जी, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण POQ ये 90 डिग्री है हमारे पास। OR और PQ, OR और PQ क्या हमारे पास है, OR और PQ के लंबवत है, यानी OR और PQ के लंबवत है, दोनों क्या है, लंबवत है हमारे पास, ये 90 डिग्री है, ठीक है। यदि OP 20 है हमारे पास, OP का मान कितना दे रखा है, O से लेकर P तक की लंबाई, यानी इस भुजा की लंबाई कितनी है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर, और OQ की लंबाई हमारे पास 15 सेंटीमीटर हो, तो OR का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसी OR का मान ज्ञात करना है, ये वाला OR का है हमारे पास, OR यानी ये इस भुजा का मान ज्ञात करना है आपको इसका। तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो हमारे पास देखो, आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से जब उसकी सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाता है तो जो बड़ा त्रिभुज होता है, ठीक है, जो बड़ा त्रिभुज होता है हमारे पास ही, वो उन दोनों छोटे त्रिभुजों के समरूप होता है, और दोनों छोटे त्रिभुज भी परस्पर क्या होते हैं, समरूप ही होते हैं। लेकिन हमारे पास देखो ये बड़े वाली भुजा PQ नहीं है भाई, हमारे पास PO है और OQ है, लेकिन जो बड़े त्रिभुज के अंदर हमारे पास है PQ है, इसका मान हमारे पास है नहीं है। तो पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम PQ का मान निकालेंगे। तो गौर से देखना, ये समकोण है 90 डिग्री, यहाँ पर यहाँ कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, यानी आपको PQ निकालना है, तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज, त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय भी कह देते हैं, कोई बोधायन प्रमेय भी कहते हैं, की बातें प्रमेय से PQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, हल कर लेंगे इसको। OP कितना हमारे पास 20 का स्क्वायर प्लस OQ कितना हमारे पास 15 का स्क्वायर कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास ही, ये हो जाएगा 400, 20 का वर्ग 400 हो गया, 15 का वर्ग 225, इनका जब टोटल करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 625। ये जो मान है हमारे पास ये PQ स्क्वायर का, आपको तो केवल PQ का मान चाहिए, तो बिल्कुल आसान है, दोनों का अनरूट निकाल लेंगे, PQ का अनरूट क्या हो गया PQ, और 625 का अनरूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी जो PQ की लंबाई है वो हमारे पास से 25 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगी। अब अभी मैंने जस्ट कहा था कि थ्योरम पढ़ी हमने, क्या पढ़ी है थ्योरम, हमने थ्योरम क्या पढ़ी है, हमने थ्योरम पढ़ी है कि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से उसकी सामने वाली भुजा पर अगर लंब डाला जाता है तो लंब के दोनों ओर, यानी ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये भी समरूप है, और ये दोनों त्रिभुज बड़े त्रिभुज के साथ भी समरूप ही होता है। यानी कहने का मतलब है कि त्रिभुज जो है बड़े वाला, हमारे पास बड़े वाला त्रिभुज है POQ,
ये समरूप होगा किसके, त्रिभुज, हमारे पास है त्रिभुज इसके अंदर ही स्टार्ट करी हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास पी आर क्यू, पी आर ओ, एक हमारे पास पी आर ओ, और समरूप होगा त्रिभुज ओ आर क्यू, ओ आर क्यू, ये समरूप हो जाएंगे हमारे पास। लेकिन देखो हमारे जो मान निकल कर आएंगे, हमें मान चाहिए किसका, ओ आर का, किसका चाहिए, ओ आर का। तो हमारे पास कौन कौन से मान है, तो हम ऐसा करते हैं, तो बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं और एक ओ आर का आ रहा है हमारे पास से, ये वाला ये ले लेते हैं, ठीक है, जिसके मान हमारे पास से दे रखे हैं ऑलरेडी। तो हमारे पास इसमें देखो 15 दे रखा है ये वाला मान, तो हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं, तो ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज और एक छोटा त्रिभुज, ये दोनों क्या है, समरूप है। तो उनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो भी क्या होगा, बराबर बराबर होगा। यानी त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप होगा त्रिभुज ओ आर क्यू के, समरूप हो गए हमारे पास। तो इनकी संगत भुजाएं, इसीलिए संगत भुजाएं पी ओ बटे में ओ आर बराबर ओ क्यू बटे में आर क्यू, आर क्यू और बराबर पी क्यू, पी क्यू बटे में ओ क्यू, ये इसकी संगत भुजाओं का अनुपात हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद में देखो इनका मान कैसे निकालेंगे हम। पहली बात देखो पी ओ का मान कितना हमारे पास, पी ओ का मान है 20, पी ओ का मान कितना है 20। ओ आर का मान, ओ आर का मान आपको निकालना है ऐसे कैसे, ओ आर का मान निकालना है ऐसे कैसे। और ओ क्यू का मान है क्या आपके पास, ओ क्यू का मान है 15। और आर क्यू का मान है क्या आपके पास, आर क्यू, आर क्यू का मान नहीं है हमारे पास, तो ये आर क्यू ऐसे कैसे। फिर इधर आ जाइए पी क्यू, पी क्यू का मान है हमारे पास, पी क्यू का मान है हमारे पास अभी ज्ञात किया था ना हमने 25 सेंटीमीटर, ये पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात किया था 25 सेंटीमीटर। और ओ क्यू, ओ क्यू हमारे पास है ही 15, ठीक है। तो जब भी ऐसे अनुपातिक मानों से हम कोई नई भुजा का मान निकालते हैं, ठीक है, तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, दो तो इधर ज्ञात हो और एक इधर अज्ञात हो, ठीक है। यानी ओ आर का मान निकालना है तो ओ आर तो आना ही चाहिए इसके अंदर, तो ये तो होगा, होगा ही होगा, ठीक है। और ये दोनों मान ज्ञात हो तो बिल्कुल आसान है, इन दोनों की तुलना कर लेंगे हम, क्या कर लेंगे, तुलना, इसकी और इसकी तुलना कर लेंगे हम, यहाँ करके देख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ दिखाई नहीं देगा तो यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको मान निकालना है ओ आर का, किसका मान निकालना है, ओ आर का। तो ओ आर बराबर क्या हो जाएगा, ओ आर बराबर हो जाएगा आपके पास, हल करेंगे तो इसको, ये जो 20 है 15 से गुणा होगा, 20 × 15, और इनके बट्टे में आ जाएगा ये 25, कितना आ जाएगा 25, 5 के पड़े से काट लीजिए, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 4 × 4 = 4, 5 × 3 = 15 हो गया, ठीक है। और 5 × 25, और कितना 5 × 25, 5 × 5 = 5, 5 × 4 = 20, और 4 को गुणा करेंगे 3 से 12, कितना आ जाएगा 12। 12 ऑप्शंस कौन सा हमारा इसके अंदर, 12 फर्स्ट में दे रखा है इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है हमारे पास, यानी हमारे पास जो ओ आर का मान है वो कितना निकल कर आ जाए, ओ आर का मान हमारे पास ही ये 12 निकल कर आ जाएगा, और जो फर्स्ट ऑप्शन है वही बिल्कुल सही आंसर ही माना जाएगा। अब इसका, अब इसके बारे में देखिए इसका अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला ऑप्शन देखिए क्या हमारे पास अगले क्वेश्चन के अंदर, 82 हो गया, अब देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 83 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है, देखो उसमें क्या दे रखा है, मैं ये कह रहा हूँ से, यदि किसी आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई दे रखी है, उसके अंदर वृद्धि कर रखी है, और चौड़ाई के लिए पूछ रहा है कि चौड़ाई में कितनी प्रतिशत कमी की जाए कि उसके क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन ना आए। तो जब भी ऐसे सवाल किए जाते हैं तो ऐसे सवालों के लिए शॉर्ट ट्रिक लगती है, क्योंकि अगर हम ऐसे सवाल लॉन्ग टर्म से करते हैं, ठीक है, तो बहुत ही बड़ा हो जाता है और पूरा टाइम एग्ज़ाम में पूरा टाइम ऐसे कैसे निकल जाता है, हम पूरा सवाल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे सवालों के लिए हमें शॉर्ट ट्रिक काम में लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में, उसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत कमी की जाए कि आयत के क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन ना हो।
तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए शॉर्ट ट्रिक होती है हमारे पास। देखो क्या है शॉर्ट ट्रिक, चौड़ाई में प्रतिशत कमी, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास वृद्धि, जो लंबाई में जो वृद्धि हुई ना वो वाली, वृद्धि बट्टे में 100 प्लस वृद्धि इंटू 100। और ये हमारे पास जो हल है, कौन से क्वेश्चन का हल है ये हमारे पास है 83, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास है 83, क्वेश्चन नंबर 83 का ये हल है हमारे पास। देखो हल कैसे करेंगे, हाँ ये बताओ वृद्धि कितनी थी, वृद्धि हमारे पास थी 50%, कितनी 50%, तो ये 50 ऐसे कैसे बट्टे में 100 ऐसे कैसे प्लस ये 50 भी ऐसे कैसे इंटू 100, कर देंगे सरल, कितना हो जाएगा बताओ, 50 गुणा होगा 100 से तो ये हो गया हमारे पास 5000, ठीक है। और ये कितना हो गया 100 प्लस 50, ये हो गया हमारे पास 150, कर देंगे सर, जीरो से जीरो कट के हमारे पास, फिर काट लो इसको 5 के फड़े से, 5 ती हो गया कितना 15, और ये कितना हो गया 100, 100 में दे लेंगे हम किसका भाग 3 का, तो 3 तिया 9 हो गया हमारे पास, ठीक है ये 0, फिर 3 तिया 9 हो गया हमारे पास, फिर 1, फिर 1/3, भाई ये वाला तो ऊपर और ये जिसका भाग दिया था ये बट्टे में, यानी 33 सहित 1/3, और 33 सहित 1/3 ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, 33 सहित 1/3 प्रतिशत की कमी करनी होगी आपको चौड़ाई में, तभी ही उस आयत का क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, वैसे कि वैसे बना रहेगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन भी डायग्राम बेस्ड है हमारे पास, यानी चित्र पर आधारित है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 84, दी गई आकृति दे रखी है आपको, ठीक है। दी गई आकृति में पी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या है, ये जो पी क्यू है ना, पी क्यू क्या हमारे पास एक स्पर्श रेखा है, पी क्यू क्या है स्पर्श रेखा, और ये इस वृत्त की परिधि यानी स्पर्श बिंदु आर से गुजर रहा है, यहाँ पर जो वृत्त को आर पर स्पर्श करती है, यदि टी आर क्यू इसका मान दे रखा है, कहा हमारे पास टी आर क्यू इसका मान दे रखा है, ये वाला कोण इसका मान दे रखा है 40 डिग्री हो, तो आर टी ओ यानी ये वाला मान आपको ज्ञात करना है, आर टी ओ ये ज्ञात करना है आपको। तो आपने एक प्रमेय पढ़ रखी होगी कि एकांतर वृत्त खंड के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, तो बिल्कुल आसान है। देखो इसमें कौन कौन से कोण है जो एकांतर वृत्तखंड के होंगे, इधर देखो ये जो टी आर क्यू है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों बराबर होंगे, अगर ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। और आपने एक चीज़ और पढ़ रखी होगी कि ये देखो वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है, ये लाइन जो है हमारे पास वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, तो ये आधा वृत्त हो गया, आधा वृत्त इधर आधा वृत्त इधर, और ये वाला जो कोण है वो अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण है, और अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण क्या होता है समकोण होता है, तो ये कोण कितना हो गया हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखो त्रिभुज ले लेंगे हम, आर टी ओ कुछ भी ले, देखो ओ तो नहीं लेंगे क्योंकि ओ तो केंद्र पर हमारे पास, तो एक नाम ले लो आप, ठीक है इसको एक्स मान लो, क्या मान लें हम एक्स, त्रिभुज आर टी एक्स में, त्रिभुज आर टी एक्स में, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल क्या होता है 180 डिग्री होता है हमारे पास, तो क्या लिख लेंगे हमें कोण एक्स प्लस कोण आर प्लस कोण टी याद करना है आपको 180 डिग्री, तो ये जो कोण एक्स इसका मान ज्ञात किया था हमने भी कितना 40 डिग्री, और कोण आर का मान आपको अभी हमने ज्ञात किया था समकोण वाला 90 डिग्री वाला, ये होगा ये 90 डिग्री प्लस कोण टी, यानी आपको जो आर टी ओ ज्ञात करना है वो टी ही बराबर 180 डिग्री, बहुत इजी क्वेश्चन है।
90 और 40 कितना हो गया 130, वो 130 उधर जाकर घट जाएगा, यानी कोण टी का जो मान है वो 180 माइनस 130 ही आ जाएगा। तो कोण टी की जो वैल्यू हमारे पास ही कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री निकल कर ही आ जाएगी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी निकल कर ही आ जाएगा। इसमें देखो जो सेकेंड नंबर का जो ऑप्शन है ये वाला, ये बिल्कुल सही होगा। फिर आ जाइए इससे अगले सवाल के अंदर, वो क्या बोल रहा है, अगला जो सवाल है हमारे पास वो साइन कोस टेन पर आधारित है, तो थोड़ी सिद्ध करने वाली सवाल जैसा है, थोड़ा दिमाग लगाना इसके अंदर, बहुत इजी सवाल है, आ जाएगा आपको आसानी से, और चेक करके देखना अगर आप लोगों ने किया हो एग्ज़ाम में, तो चेक करके देखना कि सही है कि गलत है। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन जो है ना हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 85, यह मैं दे रखा था, देखो साइन का स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एक, ये दे रखा है, ठीक है, ये तो हमें दे रखा है, और ज्ञात क्या करना था हमें, देखो ये हमें दे रखा था और इसी से हमें इस साइन थीटा का मान निकालना है। तो बिल्कुल देखो साइन थीटा बराबर एक में से ये साइन स्क्वायर थीटा घट जाएगा, उधर जाके पक्षांतर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, तो जो इसका मान है हमारे पास, यानी जो साइन थीटा का मान है वो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा, या इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जो कोस स्क्वायर थीटा है उसका मान साइन थीटा आ जाएगा, दोनों एक ही बात है, ये वाला, ये हमने जस्ट ही ज्ञात की इसको थोड़ा सरल करके। अब देखो क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कोस की घात 8 थीटा प्लस 2 कोस की घात 6 थीटा प्लस और कोस की घात 4 थीटा, ये दे रखा है, तो ये बताओ इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो कोस की घात 4 थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 4 × 8 घात के ऊपर घात हो तो घाते गुणा हो जाती है, घातांक नियम है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 कोस की घात 4 थीटा डॉट कोस की घात 2 थीटा। देखो आधार समान होने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं, 4 2 कितना हो गया 6 प्लस, इसको ऐसे लिखा जा सकता है कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, घात के ऊपर घात हो घाते गुणा तोड़ देना 4 हो गया हमारे पास। अब देखो ये जो है हमारे पास, ये इस फॉर्मूले में आ गया हमारे पास, ये वाला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्मूले में आ गया, तो जो इसका मान होता है हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ये पूरा भी बिल्कुल इसी प्रकार एक ब्रैकेट में बंद हो जाएगा हमारे पास, पूर्ण वर्ग संख्या बन गया ना ये, तो क्या होगा ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ आ जाएगा कोस की घात 4 थीटा और प्लस सी कोस की घात 2 थीटा, यानी कोस की पावर 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर आ जाएगा हमारे पास ही होल स्क्वायर, क्या आ गया होल स्क्वायर, इसको जब आगे सरल करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास ही, इसको कैसे लिखा जा सकता है, कोस की घात 4 थीटा को लिखा जा सकता है कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस, और ये कोस स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे, इसके ऊपर कितनी है, बड़े ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ऐसे। अब देखो कोस स्क्वायर का मान, कोस स्क्वायर का मान यहाँ से उठा के रख देंगे, क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये जो कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है साइन थीटा, और यहाँ भी साइन थीटा, तो देखो ये तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और ये कितना हो गया साइन थीटा, इसके ऊपर घात कितनी है 2। अब इसका मान हमें दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, देखो स्टार्टिंग में साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का मान कितना होता है 1, इसका मान क्या रख दिया हमने 1, 1 के ऊपर स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 1, इसका आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा 1, ये वाला ऑप्शन।